नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। ये पहला वीडियो है और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य आयुर्वेद संबंधी जानकारी देना, साथ ही साथ जीवन में हमारे जो समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उन सबको दूर करना। धर्म रहस्य चैनल की सफलता के बाद बहुत सारे व्यूवर्स की ये मांग थी कि आयुर्वेद पर भी चैनल बनाया जाए, तो आज आपकी मांग को पूरा करते हुए आयुर्वेद चैनल का पहला वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद हम जीवन का विज्ञान मानते हैं, यानी जिंदगी कैसे जीनी है ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके। और कहा भी जाता है प्रथम सुख निरोगी काया, यानी कि अगर जीवन का सबसे बड़ा सुख जो है वो यही है कि जीवन अगर आपको जीना है तो उसके लिए आपको निरोगी काया की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका शरीर हर वक्त स्वस्थ रहना चाहिए, तभी आप जिंदगी सही प्रकार से जी पाएंगे। इसी प्रक्रिया को हमारे ऋषि मुनियों ने वनस्पतियों के साथ उपयोग करने, शरीर की मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक संतुलन की अवस्था को लाने के लिए आयुर्वेद का जन्म दिया। शरीर जो होता है वो, उसके अंदर अग्नि होती है जिसको हम पाचन के रूप में जानते हैं, चयापचन के रूप में जानते हैं, धातु के रूप में होती है जो शरीर के ऊतक होते हैं, मलमूत्र के रूप में होती है जो शरीर को संतुलित रखते हैं। यही आयुर्वेद आपको हर प्रकार से जीवन को सुरक्षित बनाने की एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। आयु का विज्ञान है, यानी जीवन जिससे चले उसका जो विज्ञान है, और आगे वेद लगा हुआ है जिसका मतलब है कि यह वैदिक है। यह सबसे प्राचीन प्रणाली आज की मानी जाती है, ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से बीमार व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है और जीवन को सभी प्रकार से वो जी सके। आयुर्वेद का जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध रहा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य प्रणाली है। इसमें निवारण और उपचार दोनों की प्रक्रियाएं विभिन्न प्रणालियों के रूप में उपस्थित रहती हैं। इसका उपयोग लगभग 5000 सालों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। आयुर्वेद को संस्कृत में 5000 साल पहले वेद के पवित्र ग्रंथों में दर्ज किया गया था। कहते हैं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आयुर्वेद और उनकी पुस्तक जो थी वो बताती हैं कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। इस वक्त वृहत त्रयी नाम से तीन महान ग्रंथ हैं जिनके अंतर्गत पूरे के पूरे आयुर्वेद को हम लोग जान सकते हैं। और तीन महान ग्रंथ जो है वो कहलाते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। जीवन को जीने की जो प्रक्रिया है वह आयुर्वेद कहलाती है, और इसी को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, सीखेंगे अपने शरीर को कैसे रखना है, कैसे उसमें सुधार करना है अगर हम कोई गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं जिसकी वजह से कल को चल के हमारा शरीर बिगड़ने वाला है। यही सब हम आयुर्वेद में जानेंगे। तो आज मैंने आपको आयुर्वेद का परिचय दिया और इनके ग्रंथों और इतिहास के बारे में बताया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जितने लोग भी नए हैं वो सब के सब इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।